और मोल माल ने में लगा उसमें तो सब कुछ में लगा, संतुष्टि में लगी। पार्टी का फैसला है और हम इसे सही मानते हैं। जब पार्टी फैसला करती है, शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया, हम इसे सही मानते हैं। तकरीबन सारे हैं, समाज का कोई मतलब नहीं है, समाज का मतलब नहीं है। बिहार समाज उलाना सामलो कला गांव, ये मोदी का प्यारा है, यही इसका नारा है। अरे या तो जो फोकाट बोल रहे हो आप, या फोकाट फोकाट के गए हैं, या तो सिर्फ हम पूर्त करेंगे, या पांच गांव के मनसा नाम बता दो। मैं चाहूंगी जुलाना विधानसभा क्षेत्र में अपना भी हिस्सा हो सरकार, अपना हिस्सा होगा तभी हम काम कर पाओगे। अपने जुलाना इतिहास रहा है, उसी तो आज में रिपीट नहीं होगा। जुलाना अड्डे पे हम पहुंच चुके हैं और ये जो पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये विनेश फोगाट का पार्टी का ऑफिस है और यहाँ जैसे हम देख सकते हैं लोग आ रहे हैं और यहाँ पर चाय लड्डू से नाश्ता शुरू कर रहे हैं और विनेश को अपना सपोर्ट देने के लिए ये लोग बात कर रहे हैं। अंदर चलते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आओ बात कर लें जी, आओ जी आओ, आ जाओ। कभी मैं अभी विनेश फोगाट के ऑफिस में हूँ और यहाँ कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। साहब आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर बलजीत। कहाँ से हो? कोड़ा। कोड़ा गांव से? बरोदा हल्का। अच्छा, बरोदा हल्का। यहाँ कैसे है? यहाँ मदद करने के लिए। विनेश की? हाँ, विनेश की। तो क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में? विनेश के पक्ष में। अच्छा, यहाँ बाकी और भी कैंडिडेट हैं? विनेश वधे है। वधे है, चलो। यहाँ के कोई लोकल वोटर हैं आप? यहाँ के लोकल वोटर हो? जुलाना के हो आप? बाहर से आए हैं? क्या नाम है आपका? आप बताइए क्या नाम है? कुलदीप सिंह है, गांव सामलो कला है। जुलाना से ही हो? हल्का जुलाना है, गांव सामलो कला है। अच्छा, जुलाना। हाँ, तो क्या माहौल है विनेश की? खास माहौल है हमारे, दो तरफा खूब एक तरफा माहौल है। रात भी उड़े जा रही है, सारी बिरादरी इकट्ठी हो रही। अच्छा, सामलो गांव में खूब माहौल है हमारे, दोनों गांव में, सामलो मरकचोली में पूरा बहुमत है उसका। हाँ, कल अब भेजा रहता उधर को, आदमी गया नहीं और लुगाई लुगाई किराए किरुए पर भेजा रहता। अच्छा, हमारा खूब है फोकट का खूब। तो विनेश बन की तो के करेगी जुलाना खातर है? वो तो उसकी मर्जी है कि मैं करो बना बना के रखी नहीं भेज दे कर किसी ने कुछ नहीं किया भी ना करियो सही टाइम दिया, टाइम दिया है एक भाई मौका हवे जाएगा कला के मतलब जनता ने जाने कि नहीं जाने कदका बास बचा जुलाना कौड़े पड़िया बिछड़िया। तो जुलाना में कम काम हुए हैं? कुछ नहीं काम हो रहा जुलाना में, ना जुलाना का कह के काम मामा। अच्छा, सुरेंद्र लाठर भी खड़ा है, वो भी अड्डे का है, उसके बारे में क्या माहौल है? ना उसके बारे में कोई मोल माल नहीं, लाठर का भी कोई माल कोई मोल नहीं। अच्छा, कोई मोल। बीजेपी का कैप्टन बराकी? हाँ, फाड़ कुछ जानता है कोई? जानता है कोई? मारा लिखेगा कोई नहीं, खिलाफ पता है। अच्छा, कविता दलाल भी आम आदमी पार्टी वाली? हाँ, खास हंगाला है वो, हंड है उसके भी, हंड है थोड़ी लुगाई पता है हल्का की होगी वाला वाला के भी है। और के मैं फिर नो कह नको भाई छोरी है दोनों को नो है सरकार। आपका नाम क्या है? सुधीर रिगरा से जी। अच्छा, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी विनेश फोगाट। अब की बार हमारी जुलाना की कंपैरिजन है कलोई हल्का से, कि हम कलोई हल्का से भी ज़्यादा जिताएंगे जुलाना वाले। अच्छा, विनेश करेगी क्या क्या कह रहे क्या करेगी? विनेश खेल के क्षेत्र में अच्छा योगदान करेगी और विकास के सड़कों का, स्कूलों का, स्वास्थ्य संबंधित अच्छे कार्य करेगी।
कितने का बजट लेके आई, कुछ बताया अभी तक? बजट का तो अभी देखो सरकार बनेगी उसके बाद आएगा बजट, पहले तो हमारा काम है उसको भारी बहुमत से जिताएं और उसको एक अच्छा मंत्री पद मिले। अच्छा। क्योंकि जुलाना की हल्का आज तक एमएलए की वोट डालती थी, पहली बार अब मंत्री के बनेगी जुलाना हल्का में। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला खिंचा हुआ है विनेश के नहीं, कोई खिंचा हुआ नहीं है, एक तरफा माहौल है। जो ये जो उनसे नुका नहीं खिंचा हुआ, इनकी 5,000 तड़े वोट रह लेंगी जिस दिन गिनती होगी 8 तारीख ने, 5,000 तो नहीं, चाचा हो चश्माड़ा हो लाठर साहब हो और चाहे कविता दलाल हो और चाहे डंडा साहब हो, सब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं विनेश ने? विनेश एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, इसने देश के लिए अच्छा खेली है ये, कविता दलाल भी तो, और एक खिलाड़ी तो वो भी है, लेकिन एक भावना है इसके लिए। उनकी सरकार नियारी, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जनाधार और हुड्डा साहब अब की बार सीएम बन रहे हैं, तो जुलाना हल्का का कुछ विकास तभी होगा जब हम सरकार के साथ चलेंगे। ये इस हल्का में उल्टे चलाया करते जी, पहले सरकार किसे की होंगी, एमएलए किसे का होंगे, तो इस वजह से क्या है हुड्डा साहब के साथ लगे हुए हैं सभी। ये देख लो कितने बुजुर्ग बैठे हैं, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद है सभी का। जी जी, चलो आपसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? रामचंद्र गांव बिरौली। अच्छा, हल्का? हल्का जुलाना। अच्छा, ये बताओ क्या माहौल है? भाई माहौल तो पब्लिक ज़्यादा सक्रिय है, वोटर में इतना जोश है, आप घूम के देखो। मेरे ख्याल में हरियाणा में सब में टॉप में रहेगी इनकी जीत, और बहुत मुश्किल से घने दिन में चौधरी छोटराम के बाद जुलाना हल्का को ऐसी एक जुझारू लीडर जो भविष्य में जो विनेश फोगाट बनने जा रही है, सबके दिलों में राज करने वाली है कि जुझारू। अच्छा, सारी बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तय 70-80 और भी कैंडिडेट थे जो टिकट मांगे थे कांग्रेस पार्टी के, वह गैला ना दिखते हैं भाई, वोटर गैला है। अच्छा, वोटर के अंदर है, मैं कांग्रेस ने वोट ना भी दूँ लेकिन इसके ऊपर सबके में डाल दिया हमने, लेकिन इलेक्शन लड़ने खातर खर्चा पाने भी गणाए चाहिए, अगर है वो कितने लेकर आओगे विनेश? जरूरत कौन है? कोई बात नहीं, वो अपनी हाँ वहाँ घर तक भाड़ा ला के आवा हर अपना प्रचार करा, हाँ जड़े जड़े जावा, हाँ स्वागत करे हैं और करे हैं या उसके लिए रोड़ा पड़ गया होगा यो टिकट है। अरे साहब जो है दोहरे ते भाड़ा ला के और विनेश के प्रोग्राम में आए हैं, ऑफिस में आए हैं अपना सपोर्ट दिखाने, तो या आप लगा कर रहे हो 15 रुपये आपके गांव था 15 आधी टिकट ना जीन था। अच्छा, जिंदगी तारीख थी, वाह सीधा आया वो चाड़ा पाट दिया जो चाड़ा पाट दिया आपने। इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के साझे उम्मीदवार सुरेंद्र लाठर का ये जुलाना में कार्यालय है, और अभी हम अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। हाँ जी, लाठर साहब का ऑफिस है ये? हाँ, लाठर साहब का ऑफिस है जी। अच्छा, क्या माहौल है जुलाना का? बिल्कुल कदी सही है जी, बहुत बढ़िया माहौल है, और लाठर साहब के वोट जाएंगे जी हाथ जोड़ के, सारा गांव देगा लाठर। लाठर कितने गांव है जुलाना में? जुलाना में जी कितने 75 गांव। आठ नाम क्या क्या है जी? नाम क्या क्या लाठर के? आठ गांव है लजवाना बड्डा, करसोला, और कई गांव है जी, जुलाना, देशखेड़ा, राजगढ़, बामन। लाठर तो देंगे, लेकिन विधायक बनने के लिए तो पूरे जुलाना से सपोर्ट चाहिए, तभी बात बनेगी, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आपका नाम बता दो। विनोद है जी। विनोद कहाँ? अथवाड़ा गांव है। अच्छा, जुलाना में ही है? हाँ, जुलाना में ही है। अच्छा, वैसे मेन फाइट दो कैंडिडेट कौन कौन से हैं, किस किस के बीच में? मेन फाइट है जी या के ना फोगाट और इसका विनेश फोगाट राठी और सुरेंद्र। अच्छा जी, कौन सा ऊपर चल रहा है? ये सुरेंद्र चल रहा है जी फिलहाल। अच्छा, के मतलब समीकरण के ऊपर बन रहे हैं? समीकरण भाईचारे के बने रहे हैं, वो दूसरे उसकी है, मतलब जो खिलाड़ी की उस्ते है।
भाई पाओगी कहाँ नहीं पाओगी, ये मतलब समाज के लिए जुड़े हुआ है। अच्छा राठी साहब का प्रोफाइल क्या है, मतलब क्या किया इन्होंने, समाज सेवी हैं क्या है मतलब प्रोफाइल? उसका अभी किसी ने ज्ञान नहीं, सेवक है। नहीं नहीं लाठर साहब का, लाठर साहब समाज सेवक है जी, काम करे जी, मतलब अपने पुस्तकालय कराया है, आरओ लगाए हैं, मतलब बच्चों के लिए बहुत वो कराया है। अच्छा जो इनकी आई पहले तो ये बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, वहाँ से टिकट नहीं मिली, अब इंडियन नेशनल लोकदल में आ गए हैं, तो पार्टी बदलने से लोगों का जो समर्थक है उनके कुछ ना कोई फर्क नहीं जी? क्यों नहीं जी, वो साथ जुड़ा हुआ है, इसका भाईचारा का, इसका तो वो है भाईचारे के लिए, उसके लिए जुड़ा हुआ है ये काम बढ़िया कर। लाठर साहब आप कहाँ गए हुए हैं जी? आप कहाँ गए हुए हैं? रैली में जा रहे हैं जी, लाठर साहब उचाना रैली में गए। हाँ जी, आस्था उदेवलाल की जो सम्मान समारोह है उनके जन्मदिन के उपलक्ष में। हाँ उस वहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, आप किसी और से बात करें साहब, आपका नाम क्या है? रामनारायण। रामनारायण जी, आज क्या माहौल है बताओ? बहुत बढ़िया माहौल है, दिन पर दिन माहौल बढ़ता जा रहा है। अच्छा विनेश फोगाट का क्या लग रहा है? विनोद फोगाट का तो जी क्या बताए, जनता सभी के पास है लेकिन वोट किसी किसी के पास है। मतलब जो दिखता है वो कौन है और जो है वो दिखता कौन है? हाँ जी ऐसा ही है। कौन से समाज से जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है? कौन से समाज से हो? दानक समाज से। तो जो शेड्यूल कास्ट समाज है किसको वोट देगा? शेड्यूल कास्ट अपने एरिए के आदमी को वोट देगा जो अपने हल्के में काम कराएगा, और जो हल्के का आदमी नहीं है वो कहाँ पाएगा, कहाँ ढूंढेगी उसको? तो इन्होंने बताया, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र लाठर के यहाँ हम ऑफिस में आए हैं और कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बातचीत करने की। साहब राम राम, आप लाठर साहब के ऑफिस में उस समय आ रहे हो? हाँ जी। आज क्या माहौल है बताओ? माहौल टोपम टोप, आज बहुत बढ़िया माहौल है। किसका माहौल? लाठर साहब का। अच्छा हाँ जी, आदमी ज्यादा जा लिए, मतलब उड़े को गिन नहीं सकते, मतलब साधना ने बहुत ज्यादा पूछाने रैली है आज ताऊ का जन्मदिन है। आप बताओ साहब। भाई डॉक्टर साहब का माहौल बढ़िया है, हमारे गांव से जितने लाठर के सारे एक हो रहे थे, और ये और भाई से जितने और पड़ोसी सब हमारे भाई दलाल भी हैं, अलावत तो भी हैं, और रोज की बटत हो रही है भाई डॉक्टर साहब की। जाट समाज के गांव तो हैं, बाकी गांव बाकी लोग बाकी समाज के लोग तकरीबन सारे हैं, मतलब नहीं है समाज का, मतलब नहीं है। छत्तीस बरादरी ये कर रखा है इसने जी, मेरा ख्याल है 70 का करीब तो लाइब्रेरी खुलवा दी थी गाँव में सारे हल्के में अपने पैसे। हाँ बिल्कुल, एक बना रखी है संस्था सामाजिक सरोकार परिवार, उसका उसने जो है ना इतनी लाइब्रेरी खुलवा दी, और मेरा ख्याल 4-5 गांवों में आरओ भी लुवा रखे हैं। अच्छा कुछ रुक के मारे हैं विनेश फोगाट के नाम? ना जी लोहा भी नहीं है, सुरेंद्र लाठर का लोहा भी नहीं है, बाकी जो जिसके गेल हंड है कोई नू तो कब है को नाम रिपोर्ट नहीं गेरा, बाकी जो सर्वे की रिपोर्ट है कल की भी बहुत ज्यादा वोटा दे, इसकी कितने वोटा जीतेगा? ज्यादा भी नहीं, कम से कम 35-40 हज़ार वोटा दे। 35-40 टोटल वोट कितनी है? टोटल वोट तो 1.5 लाख तो ऊपर है, 1.5 लाख तो ऊपर है। 35 तो जीत जाएगा। हाँ कम से कम 35-40 हज़ार वोटा तो जीत जाएगा। डेली के डेली बढ़त मजा लाग रहा है, कहने का मतलब कारण क्या है? कारण क्या इसका वो हिसाब किताब ही सा, इसका ठंडा आदमी है बिल्कुल, किसी काम ने को नाट नहीं सकता, इतनी बढ़िया क्या जी खर्चा पानी लान ला रहा है? खर्चा पानी की इसना लाने की जरूरत है कौन जी? 8 से 6 बढ़कर तो नौकरी फैक्ट्रिया में कंपनियां मान ली इनमें कंपनियां में। हाँ भाई तू आगा जा। कौन दे भाई? के नाम है राहुल नाम है भैया। राहुल के बाद के बताओ था नौकरी? मैंने को भाई नौकरी लगवा रखी है 7-8 से नौकरी, मेरा खुद भाई लाग रहा है भाई। किस चीज में? थोड़ा गुड़गांव लगवा रखा है कंपनी में भाई, झारखंड ड्यूटी है उसकी। हाँ बी टेक कराया था, पॉलिटेक्निक कराया था, सिविल इंजीनियर का कोर्स कराया था भाई साहब। ठीक है तो पूरा सपोर्ट करोगे? पूरा दमा दिल तो सपोर्ट है भाई। हाँ ये भी नहीं कराए फिर कद कराए भाई? विनेश फोगाट का, विनेश फोगाट का चक्कर नहीं है मेरे भाई, को मतलब नहीं है उसका, तो ये रुक के मारना रे कौन है? खाम खाई रुक के मारा है, ये फर्जी मारा है। हाँ
सब बाहर गए जी, विनेश फोगाट के साथ जो है ना, लोकल आदमी दफ्तर में जाकर देखो, लोकल आदमी नहीं पाओगा। तीसरे नंबर पे बताइए विनेश फोगाट, कम से कम तीसरे नंबर पे, चौथा वो भी जा इसका है। दूसरे पे कौन है? कौन मोहल्ला का तो मान ले को मुकाबला है नहीं किसी के लिए। दूसरे पे कौन है? दूसरा पाओ तो कमल का फूल वाला है, नहीं तो वाली है। हाँ, तीसरे पे हम तो जी भाई के साथ में है, बहुत भारी मोर्चे जितावांगे, काम ने सरो समिति बना रखा है बूढ़ा खेड़े ने, और बहुत ही बहुत ज्यादा काम किए हुए हैं, बहुत ही बहुत छः सौ सतहत्तर बच्चों का रोजगार जो आया है, और सरकारी नौकरी का पूरी पूरी उम्मीद सारे बच्चों ने दीवान लग रहा है। लेकिन चारों तरफ तो हरियाणा में कांग्रेस की हवा है। कांग्रेस से तो लो भी नहीं जी, हरिया तो जो फोकाट बोल रहे हो आप, या फोकाट फोकाट के कहे हैं, या तो सिर्फ हम पूरे वो करेंगे, या पाँच गाँव के मनसा नाम बता दो पड़ोसी भाई के भी, इन्हें तो वो देख कर जी गाँव में राजी नहीं है जी, देख कर हमारा काम बहुत ही बढ़िया, एक भाई के साथ में एकजुट हो गए सारा लाठर भाई, दलाल भाई, सारी खाप इकट्ठी हो गए भाई ने, रोज आ रोज बढ़त बढ़ाने लग रही। चलो ये हम सुरेंद्र जो लाठर हैं उनके कार्यालय में थे, और उनके यहाँ जो लोग आए हुए हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनसे बातचीत की, और उनका ये कहना है कि दिन ब दिन सुरेंद्र लाठर की बढ़त बनती जा रही है, और उनमें से एक समर्थक ने तो ये कहा कि विनेश फोगाट जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर पर भी जा सकती है। लाठर का इन्होंने बताया कि पूरा जोर है, और जो लाठरों के गाँव हैं, आठ गाँव इन्होंने यहाँ बताए जुलाना हल्के में, वो एकजुट होकर के सुरेंद्र लाठर का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ विनेश फोगाट आई हुई हैं और कुछ यहाँ उनसे सपोर्ट के लिए, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी
शकुंतला। शकुंतला जी किस लिए आए हैं? विनेश फोगाट को बनाने के लिए। अच्छा, वोट दोगे? पक्की। चलो आप बता दीजिए आपका क्या नाम है? कविता। कविता जी किस लिए आए हैं? विनेश के लिए। विनेश के लिए, तो वोट किसको दोगे? विनेश को। क्या काम करवाएंगे विनेश जी? तो बात। चलो चलो कोई बात नहीं, आगे आगे। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? नसीबो। हाँ जी बताइए किस लिए आए हुए हैं? बेबन में लड़ाए थे। अच्छा, मिल लिए? हाँ। अरवा तो नहीं हो गया, 5 तारीख ने पंजेबे निशानों बटन दाबियो जरूरी है। तो करेंगे जो तो बर रहे थे। कर ना। और क्या जुलाना का माहौल के है? आपके गांव का बताओ। हमारे गांव का तो बहुत बढ़िया है जमा, इस गांव भर का तो पाव भी नहीं का कोई। हाँ, कोई भी नहीं है। वोट गेरेंगे और सही एक उस पर विश्वास तो बनवाओगे। हमारे तो साबत गांव की वोट पक्की। खास खास बात के है, गर्मी में क्या खतर मरा, इसे खतर मरा। हाँ चलो बताओ। बढ़िया है, खिलाड़ी है, मेहनती है, काम भी करेगी। करेगी, बड़का खतरा गया, अगत खतर तो कराए हैं। हमारे तो भाई अंडा है, देखे भाई बस काम के मारे तो अंडा वेखने काम करेंगे भाई। हम तो देखिए कुहंगा लगा देता हूँ। किस काम की बात देखा, हमारे बालक बड़े हो गए ने, खिलाड़ी बने आगे जाए तो हमारे बालका ने भी वो मिल रहा है। सब कुछ में लगा, संतुष्टि मिलेगी। चलो ठीक, आप भी बताओ। बनाओगे जी? पक्का पक्का बनाओगे? पक्का जी जमा। हाँ दादी, भाई सब घंटे जी जैसा खड़े। हाँ जी, अड़े बनाने खातर खड़े। हाँ 5 घंटे 9 बजे तक पहले के खड़े। हाँ अपनी बेटी ने बना कर खुशी होगी, अपनी बेटी ने बना कर खुश होंगे, हमारे बच्चा पे भी असर होगा, था आगे बच्चा ने भी शिक्षा मिलेगी। हाँ जी, कितनी देर तक बाट देखने आ रहे थे? हम तो तड़क सवेरे के लाग रहे जी। हाँ बाट में सा कोई आओ कोई आओ, जता हाँ देखने खातर जता के गल आएंगे, देखने के गल आएंगे। क्या क्या कहो? जितावांगे जी, पक्का जमा जोर ला के 100%। अरे फिर 5 साल फिर अपने काम करवाएंगे। कौन कौन से? जुन से भी हमारे पानी का है भाई, नहर में पानी भी कम आवे है, जो भी हमारे हैं सारे काम करवाएंगे। एक पीने का पानी की सुविधा नहीं है इस गांव में, और ब्रांड माटी हो रही है पानी बिना जमा। चलो पानी का काम करो। हां जी, तो सारे मरे जाओ तोले मुंद मुंद के अपना घर चले जाओ जिसका पानी है जी। चलो, तो ये थी अनूपगढ़ गांव है ना अपना, ये है अनूपगढ़ गांव की महिलाएं जो नुकाय पिछले 5 घंटे से हम यहाँ सिर्फ विनेश फोगाट को देखने के लिए, मिलने के लिए हम ये इंतज़ार कर रहे थे। और ये कह रही हैं कि हम इकट्ठी हो गए, मजबूत हो गए, विनेश फोगाट के लिए जो हैं वोट कराएंगे। और बाकी सभी और भी जो लोग हैं उनसे भी अपील करेंगे, विनेश फोगाट को बड़ी भारी बहुमत से जिताएं। और कुछ तो इनमें से कह रहे हैं कि इनको खेल मंत्री बनवाएंगे और फिर 5 साल अपना काम करवाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह, हरियाणा फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। अभी जुलाना के अनूपगढ़ गांव में है, और जो एक बात कई दिनों से पिछले कही जा रही है कि विनेश फोगाट को बाकी जो टिकटार्थी थे उनका समर्थन नहीं मिल रहा। मेरे साथ हैं रोहित दलाल, और रोहित दलाल वाज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स जो कांग्रेस पार्टी के लिए सीरियस कंटेंडर थे। दलाल साहब से बात करते, दलाल साहब हमें यहाँ विनेश फोगाट के प्रोग्राम में मिले। दलाल साहब पहले तो आपका स्वागत है। बड़े धन्यवाद भाई साहब। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि बाकी जो टिकटार्थी हैं साथ नहीं दे रहे, और आप तो यहाँ प्रोग्राम में आ रहे हो। वैसे पता क्या है, ये भ्रमक प्रचार किया जा रहा है। हम चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। हमें पिछले 2006 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है। जब तक हमारे शरीर में सांस है, हम चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मेहनत, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए दिन रात मेहनत करके एक करेंगे। अच्छा दलाल साहब, वैसे जैसे विनेश फोगाट पहलवानी वाले फील्ड से आई है, और ये तो आवाज़ भी उठाते रहे हैं, किसी का कोटा किसी और को मिल जाए तो दर्द होता है, दर्द होया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब भाग्य की बात है। अच्छा, हमारे नेता ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, उससे हम संतुष्ट हैं। हम हमारे नेता के लिए कार्य कर रहे हैं,
और हम बीच में कहीं गायब नहीं थे, 5-6 दिन से हम इनके प्रोग्रामों में थे, बाकी फील्ड में थे। एक एक मेरे परिवार का सदस्य है कांग्रेस पार्टी को, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मजबूत करने के लिए लगा हुआ है। अच्छा, एक बात और भी है, अगर विनेश फोगाट यहाँ से जीतती है तो उसके बाद बार बार टिकट इन्हीं को मिले, क्योंकि सेलिब्रिटी एक इमोशन है, फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारे नेता देखेंगे, जाने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे नेता मजबूत होंगे हम उनके लिए राजनीति करते हैं, उनके लिए तमाम राजनीति करेंगे। जुलाना का माहौल क्या है? चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वोट है जी यहाँ पे, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का माहौल है। पीछे आपने पार्लियामेंट का चुनाव में देखा होगा, सारी वोट चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पे है। दलाल साहब, आप बार बार ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट की बजाय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे फोकस है, विनेश फोगाट के बारे में कैसी कैंडिडेट है, क्या ये डिसीजन सही था? पार्टी का फैसला है और हम इसे सही मानते हैं। जब पार्टी फैसला करती है, शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया, हम इसे सही मानते हैं। अच्छा, बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी बता रहे हैं, वो कैसे प्रत्याशी हैं, कुछ है माहौल उनकी? ये बीजेपी वालों से पूछिए। नहीं, फिर भी आपको तो एक आईडिया, आपको दिख रहा माहौल कहीं? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा, मैंने बताया ना यहाँ पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्कर परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने पिछले 10 साल दिन रात मेहनत की है, हमारे सुख दुख में आए हैं। अच्छा, आपके भी सपोर्टर होंगे जो आपको काफ़ी समय से, क्योंकि आपके कैंपेनिंग काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, वो भी मायूस तो हुए होंगे जब आपका नाम नहीं आया? नहीं, कोई मायूसी नहीं है। टिकट एक को मिलनी थी, 86 ने फार्म भर रखे थे, 87 को वाले को मिल गया, कोई बात नहीं है। है तो हमारे हल्के से ही, बाहर से तो नहीं है बीजेपी की तरह, कोई इम्पोर्ट तो नहीं करके लेके आनी पड़ी। अच्छा, बेसिंग चौटाला का एक स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि विनेश फोगाट राठी बिल लगाते तो आप लोगों की यहाँ कैसे हो गई, ऐसी स्टेटमेंट, हालांकि इतने बड़े स्टेचर के नेताओं की तरफ से कहना बनता नहीं है कि विनेश फोगाट राठी नहीं लगाते तो आप जुलाना की कैसे हो गई? जब हमारे यहाँ से बारा चली गई इनको बिहाने के लिए, तो बहुत हमारी होगी जी, ये उनकी मानसिकता है, उनके बारे में हम कोई वो नहीं कह सकते। हमारी बहू है, हमारी बेटी है जी। तो ये थे रोहित दलाल, और दलाल साहब ने जो है ना सारे पुर्जे खोल दिए हैं, टिकटार्थी जो हैं साथ साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये देख लिया और दलाल साहब की मुँह से सुन भी लिया। दलाल साहब, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जुलाना के अंदर ही हैं और अभी तक हम दो प्रत्याशियों के ऑफिस जा चुके हैं, विनेश फोगाट जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके ऑफिस जा चुके हैं, और जो सुरेंद्र लाठर हैं जो इनेलो और बसपा के साझे उम्मीदवार हैं उनके ऑफिस जा चुके हैं। अभी कैप्टन योगेश कुमार बैरागी जो कि भारतीय जनता पार्टी जिनका कमल का निशान है उनके ऑफिस में जा रहे हैं और वहाँ बाहर हैं, अभी देखते हैं लोग क्या कहते हैं। कैप्टन योगेश कुमार बैरागी, हाँ जी, यही ऑफिस है कैप्टन साहब का? हाँ जी, यही है जी। अच्छा, आप भी समर्थक हो? हाँ जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या चुनाव का की लग रहा है? चुनाव को बढ़िया लग रहा है जी। किसके पक्ष में? बीजेपी के। बीजेपी के? हाँ जी। वोट किने दोगे? ये भाई कौन है, ये मुकेश है, योगेश, इसको योगेश, इसको वोट है, इसको वोट है। हाँ जी, बीजेपी दोगे? हाँ जी। चलो जी, चलो मैं बताओ, पूरा बीजेपी, श्यामलाल, क्या श्यामलाल नाम है बीजेपी की? श्यामलाल बीजेपी में। हाँ। प्रत्याशी का नाम क्या है? प्रत्याशी का नाम उगेश, कैप्टन उगेश नहीं, योगेश है, योगेश लगा ले, उगेश लगा ले, पढ़े। हाँ, आप पढ़े। चलो अंदर बात करते हैं। ओ, खूब बीजेपी छागी। अच्छा, छागी, चलो बीजेपी छागी ऐसा बोल रहे हैं साहब। चलो कुछ लोगों से बात करते हैं, या पार्टी कार्यालय में हर तरफ जो है कैप्टन योगेश कुमार के फोटो लगे हुए हैं। हाँ जी, आप बात कर लें, आपसे बात कर लें, बात पूछो, क्या सवाल तुम्हारा? क्या नाम है आपका? है, मेरा नाम है सुबेदार भीम सिंह बैरागी। अच्छा, बैरागी साहब, तो बैरागी साहब क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से बढ़िया। किसके पक्ष में बढ़िया है? पक्ष में जरा बैठे हुए पक्ष है, इतना आप भी समझो। योगेश कैप्टन, योगेश कैप्टन, ये तो आप नाम समझो। हाँ, मेरे अब जुलाना से ही हो? शामलो कला, जुलाना, जुलाना, विधानसभा जुलाना, सामलो कला गांव। अच्छा, और कैप्टन साहब? कैप्टन साहब, कैप्टन साहब तो सुहाए के इसके है, पज्जू के, पज्जू सफेदोल का, सफेदोल का। हाँ। अच्छा, इस बार आपको क्या लगता है क्या बनेगा जुलाना में? है? जुलाना में के बनेगा?
या तो उपराला जाने जी तकदीर जाने के दो चीज जाने के दो उपराला जाने के तकदीर जाने हमारा और आपका तो काम है बनाना या बोलो आगे ना बोले भाई बनाना या अपना फर्ज पूरा करना भगवान देखेगा तो या तकदीर देखेगी हम तो अपनी तरफ से ताकत लगा सकते हैं जिसको ताकत कहते हैं आप हिंदी में। अच्छा बाकी जो सारे जाट कैंडिडेट हैं कैप्टन साहब जो है बिरागी उससे बिरागी है तो फिर छत्तीस बिरादरी का सहयोग अगले को जाट तो बनते बनते है कभी तो रोटी को पलट के खाओगे पके भी की वाह एक एक तरह से कच्ची रवे है तो लोग भी इस बात न मानने हैं जब बर्ताव बदली बदलाव होगा तो लोग भी मानेंगे लोगों में विचार थोड़े घाट से पहले समझ देनी थे दबाव मानना कर दी कोई दबाव नहीं मानना किसका दबाव तो आप या खुल के नहीं बताऊंगा या बात तो डर लग गए है गामा में जो छोटी जाति है ना छोटी जाति वो बेचारे थोड़े से उनती फिर खेत में नहीं बढ़ते गुरु वो पूछ के पूछ है तो आप तो पत्रकार हो सारी समझो हो हाँ उनको उनकी न्यार भी पाड़ी भीतर भीतर करेंगे हाँ जी या समझ गया आप सौ की सो भीतर भीतर हाँ जी विनेश फोगाट का विनेश फोगाट का क्या माहौल है बात जी वो तो मैं तो बेसरा हूँ तो नहीं गया हमारी बच्ची है छोरी है माहौल तो कुश्ती को जो उसका भी ठीक कह था लेकिन वो जो लेके चली थी शुरू जो बात थी हुआ नहीं है ना डाउन एकदम से 50% डाउन गई एकदम से उन्हें ये पता नहीं था कि राजनीति की चीज क्या है। अरे सुरेंद्र लाठर देखो जी तो खुबात कर रहा है आप कहेंगे कर रहे खुबात खुबात पहले से ही कर रहा था आज नहीं कर रहा पहले से ही कर रहा था। अरे आप वाला कैप्टन है बाराला कैप्टन तो यंग छोरा है ये तो ममते कहेंगे कि हैप्पी हैप्पी हो रहे कर देगा क्या बात है। चलो कुछ और लोगों से बात करते हैं इधर चलते हैं जो बात करेंगे काफ़ी सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं इधर इधर चलते हैं इधर वरिष्ठ सब बात कर सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं बात करने में बात कर सकते हैं। अच्छा बस ये इसी के बारे में हम तो आपको पता ही है मीडिया का हम तो क्या नाम है साहब आपका। मेरा नाम नरेंद्र सिंह खटकड़ है जी। खटकड़ साहब हल्का कौन सा है हल्का मेरा यू है जुलाना। हाँ अच्छा माहौल क्या है माहौल तो आप देख नहीं रहे आप तो सारे घूमे आप पत्रकार हो पत्रकार साथी हो आपने पता होना चाहिए नहीं फिर भी आप बता दे तो अपने मुख मैं सवाल पूछ लेता हूँ अपने मुखबाणी से बता दे दो। चलो ये कैप्टन साहब जो हैं ये यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं पॉजिटिव तो बहुत सारी बातें हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर के हल्के से बाहरी कैंडिडेट है इस पे क्या कहो। बाहरी नहीं है बाहरी है यो। अच्छा बाहरी है बाहरी है यो बाहरी है जो भी तो यहाँ आया क्यों करके जनता प्यार है इसलिए भारी है। लेकिन ये तो नया कैंडिडेट है आप नहीं देख रहे भारी है ये नहीं नया कैंडिडेट है यहाँ के लिए नया तो जीतेगा वो दूसरा और दूसरा कौन सा पुराना है बाकी एक भी पुराना देखो लाठर तो पुराना है। चलो मैं किसी की बात नहीं करना चाहता। अच्छा ये बताओ कि नया चुनाव में बताओ आप कोई पुराना नया लड़का है। हाँ बिल्कुल नया लड़का है फ्रेश लड़का है और फौज में कैप्टन है फौज में काम करता हाँ, है पायलट है एज ए कैप्टन और वो नौकरी हाँ, अपना छोड़ का आया था भाई अच्छी बात है नए नए युवा आगे आने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। अच्छा गाँव में आदमी के ऊपर सोचे है ये तो हम पढ़े लिखे समझदार नु सोचा गांव का मतदाता की सोच है गांव का मतदाता गांव में जब जाओ है जब देख लो आप कवरिंग करके देखो गांव जन सलाब उमड़ रहा है जन सलाब 36 बरादरी। अब आप भी बात करेंगे नाम क्या है। मेरा नाम सत्यनारायण घोष है। सत्यनारायण जी मैं यहीं से हूँ जुलाना हल्का। जुलाना हल्का है जी। तो सर क्या हल्का ईमानदारी से जो माहौल है वो क्या है माहौल तो फाइट है एक तरफा है अभी तो एक तरफा ही है जी बीजेपी का मतलब अगर हमें लोगों का रुझान जो देखते हैं ना जी हाँ। वो एक तरफा ही दिखता है। अच्छा पिछली बार तो जेजेपी का विधायक यहाँ से जीता था अब पहले जीतता था लेकिन अब की बार तो हाँ। योगेश इसके पायलट के बारे में कैप्टन के बारे में है। इनकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो लोगों को भा रही हैं इसको एक तो इनका हाँ। जो बोलचाल का और जब सिस्टम पढ़ा लिखा और जो अपनी सर्विस छोड़ी है इसने पायलट की नौकरी छोड़ के आया है तो ये कुछ करने के लिए आया है। अच्छा ये बाहरी कैंडिडेट का भी एक नहीं बाहरी का कुछ नहीं बाहरी है जी। अच्छा बाहरी है बाहरी बाहरी नहीं है बाहरी है ठोस है ठोस है
तो जुलाना में जो मेन मुद्दे हैं, एक तो उपमंडल का यहाँ पे दर्जा दिया हुआ है, तो योगेश जी ने कहा है कि यहाँ जो उपमंडल में सुविधाएं होती हैं वो सभी मिलेंगी यहाँ पे, ए टू जेड सुविधा की। दूसरी बात, यहाँ पे इस एरिए में एक भी इंडस्ट्री नहीं है, तो वो इस एरिए में विधानसभा में बात करके और लोकसभा तक पहुँच रखते हैं, इस एरिए को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि इंडस्ट्री होने से यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ जो लोकल हमारा कस्बा है वो एक पूरे शहर का रूप लेगा, लोगों को कहीं किराए से आमदनी होगी, कहीं दुकानदारी से आमदनी। कैप्टन साहब ये स्पीच में कह रहे हैं, कैप्टन साहब ऐसा बोलते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं कि मैं विकास की क्रांति लेके आऊँगा। इसे ने देंगे जिसका बाप बैठे, इसे का फूल, हाँ मोदी ने देंगे, मोदी ने, हाँ माननीय ना। चलो, एक वोटर हैं जिनकी अपनी सेंटिमेंट है, जिनकी अपनी भावना है, कहेगी कमल के फूल पे और मोदी के नाम पे वोट देंगे। आज की हमारी जुलाना हलके की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको हम कंक्लूड करने के लिए अभी नेशनल हाईवे जो रोहतक जींद हाईवे उस पर रुके ही थे कि हमें एक सेलिब्रिटी जो हैं दिखाई दे गए, आप बड़े आर्टिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब ये डॉक्टर जगबीर राठी हैं, जींद ज़िले के रहने वाले हैं। और डॉक्टर साहब आप ये पोड़ी जो है ना पीछे गांव, जब किसान आंदोलन था इस लाइन पे जो ना ट्रैक्टरों का जो पंजाब से आने वाले ना, तो ये उनकी निशानी पंजाबी में लिखा है पोड़ी। ये निशानी नहीं, मैं तुम कहूँगा ये संघर्ष का स्मारक है। देखो गांव पोड़ी और नीचे पंजाबी में लिखा है पिंड पोड़ी, ठीक है। तो ये एक ऐसा कम्बिनेशन हुआ था जिसमें किसान आंदोलन के समय हरियाणा पंजाब के किसानों का जो एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बनी थी, उससे पहले जो डिफरेंसेस थे दोनों स्टेट में, खासतौर से पॉलिटिशियन जो पैदा करके थे, तो ये जो ये एक बहुत बड़ी इबारत इसको मानता हूँ। और मैं आज इसलिए एक ताज़ा एक नेत्री का बयान आया तो मैं देख के रुक गया भाई, उस महान नेत्री को ये नहीं पता कि किसानों की आत्मा क्या है, किसानों का सोल क्या है। जुड़ाला हल्का में विनेश फोगाट खड़ी है और एक रिनाउंड रेसलर है वो, और मैं तो फाइट किस चीज़ के बीच में है? देखो एक इमोशन है, उस इमोशन से तो किसी की फाइट नहीं है। जब आप देश के एक धरोहर को, मैं तो जुलाना हल्का को इसमें लकी मानता हूँ, और मैं जुलाना वालों को एक बात भी कहना चाहता हूँ कि उक चूक कर दिए तो इंटरनेशनली आपका नाम लिया जाओगा उक चूक में, तो इस बात का ध्यान रखना। कई बार हम जाति में पढ़ के, कई बार हम धर्म संप्रदाय के चक्कर में पढ़ के अपने फैसले थोड़े से उल्टे सीधे ले लें, लेकिन ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी खिलाड़ी हो गया, जैसे मैं आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, या कोई भी ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं वो हो, या आपकी स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी हो, वो सिर्फ एक गांव की, एक प्रांत की या उसकी देश की नहीं होती, वो अपनी मेहनत से इस भारत देश का उन्होंने नाम किया है। ये थे हमारे साथ जगबीर राठी, आर्टिस्ट हैं, दंगल फिल्म में आपने इनको देखा है, और हमारी भी जो ग्राउंड रिपोर्ट है ना वो हमने आपसे कंक्लूड करते वक्त ये कहेंगे कि जो पूरे दिन हम घूमे, चाहे पोड़ी जो है ये पहला गांव है, आगे जो है अनूपगढ़ तक जाता है और भी काफ़ी सारे लेंथ ब्रेंथ, और हम तीन जो प्रत्याशी हैं उन पार्टियों के उनके ऑफिस में भी गए, लेकिन जो चमक दमक हमें विनेश फोगाट के ऑफिस में मिली उतनी हमें बाकियों में नहीं मिली। लेकिन जो क्योंकि समर्थक बैठे होते हैं और वो आप अपने कैंडिडेट के समर्थन में ही बात कहते हैं, लेकिन गांव में जब हम ग्राउंड जीरो पर गए तो महिलाएं सुबह 5 घंटे से विनेश फोगाट को सिर्फ देखने के लिए बैठी हुई थी, और उनका ये कहना था कि हम तो विनेश फोगाट को एक बार देखने के लिए फोटो खचवाण खातरा बैठी थी। तो एक इमोशन तो विनेश फोगाट के पक्ष में है ही, लेकिन कैप्टन योगेश बैरागी भी हैं। अगर यहाँ कास्ट का खेल हुआ तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अभी तक लग रहा है कि सिचुएशन जो है लास्ट के 3 दिनों में लोग अपना मन बनाएंगे। विद कैमरामैन प्रवीण अन्नमलाई, सत सिंह।